ओम ओम। परम पिता परमात्मा से एक पवित्र बुद्धि की कामना करते हुए सभी से निवेदन है कि एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी मंच पर उपस्थित हमारे आर्य नेतागण, हमारे श्रेष्ठीगण, प्रधान जी, मंत्री जी एवं उपस्थित आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, संसार की सभी ज्वलंत समस्याओं का एक समाधान हो सकता है जो वर्तमान में विज्ञान ने दी है या अनेक संप्रदायों ने दी है, वो है आर्य और उसके द्वारा की जाने वाली श्रेष्ठतम क्रियाएं, जिनको यज्ञ कहा जा सकता है और भी अन्य विचार कहा जा सकता है। आप यदि बातें नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी समझ में आएंगी जो पहले आपने कभी शायद नहीं सुनी होंगी और आपका अपना गौरव बढ़ेगा, जो निराशा है वो दूर हो सकती है। देखिए, शास्त्र कहता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ क्या है? संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। भोजन करना नहीं है, विवाह करना नहीं है, संस्थाएं चलाना नहीं है, और योग करना भी श्रेष्ठतम कर्म नहीं माना है। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना व्यक्तिगत है, आप करेंगे तो लाभ होगा, दूसरों को नहीं होगा। किंतु यज्ञ एक ऐसा विषय है कि आप करेंगे तो पड़ोसी को ही नहीं, शत्रु को ही नहीं, पूरे अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांचों को लाभ होगा और मन में भी लाभ होगा, और जो आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ी हुई हैं उनका भी समाधान होगा। ये मैं, हमारे माननीय प्रधान जी भी हैं, मंत्री जी भी हैं, दिल्ली सभा के माध्यम से हमने जो यज्ञ का रिसर्च किया पिछले साल, जब बहुत पोल्यूशन बढ़ा हुआ था दिल्ली में नवंबर दिसंबर में, तो उसकी जो रिपोर्ट आई है ये उससे मशीनों को लगा करके बात सिद्ध है। और आगे चलते हैं, और हम क्या कर सकते हैं समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए। देखिए, जो जाति, जो समुदाय अपने भूतकाल को नहीं जानता, वहां से प्रेरणा नहीं लेता, उसका बचना मुश्किल है। क्योंकि दूसरे समुदाय ऐसा क्यों कहते हैं कि भूतकाल को याद नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उनका कोई भूतकाल अच्छा नहीं है। उन किसी भी समुदाय संप्रदाय का भूतकाल 3000 वर्ष से पुराना नहीं है, और वो भी जो है वो भी वो वापस आर्य पे ही आना पड़ता है हर समुदाय को, इसलिए उसको याद नहीं रखना चाहते। किंतु हमारा जो इतिहास है वो 1,96,00,000 8,53,118 वर्ष पुराना है। कितने पुराने हैं आप? आज महर्षि दयानंद जी का निर्वाण दिवस है। महर्षि दयानंद ने क्या लिखा कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जो पुराना ना हो, जो ऋषियों ने ना बताया हो और जो वेद से ना आया हो। तो आप इतनी पुरानी संस्कृति को आज भी पालन किए हुए, आप सबका भी धन्यवाद। नहीं तो आप देखिए दुनिया में कितने संप्रदाय फैल गए हैं। ये आपका इतिहास कैसा था? आप विश्व गुरु थे या नहीं? आपका जो सिविल इंजीनियर है, आज भी उसको टक्कर देने के लिए दुनिया में कोई इंजीनियरिंग नहीं है, अगर आप ठीक से पढ़ें। राम सेतु देखिए कितने वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना हो गया। द्वारका देखिए समुद्र के किनारे कितनी, 5000 वर्ष से पुरानी, आज भी सुरक्षित है। अगर आप मेट्रोलॉजी के जान करें, धातु विज्ञान को, तो आप अपने लोहस्तम दिल्ली में देख सकते हैं। ये किसी आक्रांता ने नहीं बनाया, ये आपके पूर्वजों ने बनाए थे, आर्यों ने बनाए थे। तो आज भी कन्नूर, कोई बेंगलोर जाए उससे 200 किलोमीटर जरूर जाना चाहिए, कन्नूर एक जगह है, 2200 वर्ष पुराना लोह स्तंभ है। 2200 साल पहले ना ईसाई थे दुनिया में, ना मुस्लिम्स थे। किसने बनाया? उसकी महत्ता क्या है कि आज भी उसमें जंग नहीं लगता। तो और भी हमारा जो माइंड मैनेजमेंट है, कभी हम जब इसके शिविर लगाएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। दुनिया में आज जो मानसिक तनाव की समस्याएं हैं, पूरा समुदाय आतंकवाद से ग्रस्त है, जगह जगह समस्याएं बढ़ रही है, इनका समाधान भी वेद से ही आएगा। जो वेद का माइंड मैनेजमेंट है, हाउ डज अवर माइंड वर्क, ये संसार का कोई वैज्ञानिक, कोई संप्रदाय वाला आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ऋषियों ने 100% बुद्धि का प्रयोग करके
इसको बताया है। वर्तमान काल, आपको पता है आज भी आप संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्यों आ रही हो, है या नहीं? कौन जानता है ईश्वर के ठीक से स्वरूप को, कौन जानता है ठीक से धर्म के स्वरूप को, धर्म के नाम से कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, लाखों करोड़ों हत्याएं हुई हैं, तो आप जानते हैं। तो आप अपने आप को कमजोर ना माने, क्यों? क्योंकि जो आपके आचार्य गुरु हैं महर्षि दयानंद से आता है, और वो ऋषि मुनि और स पूर्वे साम अपि गुरु कालेन अन्वेच्छेदात, जो ईश्वर जो है वो आपका सबका गुरु है। तो इसलिए भविष्य भी आपका है। भविष्य आपका कैसे हो सकता है? देखिए, हम आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, ये संसार में कैसे फैला? अनुसंधान द्वारा ही कोई वस्तु विज्ञान संसार में फैलता है। अगर हम अनुसंधान नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा ज्ञान होते हुए भी दुनिया में प्रचार नहीं होगा। ये बताइए, योग विद्या किसकी है? क्या आधुनिक साइंटिस्ट की देन है? क्या कुरान की देन है? क्या बाइबिल की देन है? क्या अन्य ग्रंथ संप्रदाय की देन है? किसकी देन है? वेद की देन है। एक अनुसंधान हुआ, लगातार हमारे पूर्वज लगे रहे, तो दुनिया के 190 देशों ने माना कि योग एक साइंटिफिक विज्ञान है जो स्वास्थ्य रखता है मनुष्य को और अपने मन को भी स्वच्छ रखता है। उसी प्रकार अब क्या शोध हो सकता है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में बढ़ रही है, जो आगे लक्ष्य भी है सभा का, सार्वदेशिक सभा का, दिल्ली सभा का, और हम सब आर्यों का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम दुनिया में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे तो दुनिया आपकी बात को सुनेगी, अन्यथा घर वाले भी आपकी बात को नहीं सुनेंगे। समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, जल का दूषण, आतंकवाद। क्या पर्यावरण प्रदूषण का समाधान आधुनिक साइंटिस्ट कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप सब विश्वास करते हैं? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक है? तकनीक है केवल बताने के लिए कि कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, किंतु कैसे ठीक करें ये उनके पास नहीं है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। देखिए, योग से संबंधित चारों वेदों में 500 से ज्यादा मंत्र नहीं है, चारों वेदों में, दुनिया ने उसको प्रमाणित किया। वेदों में 5000 के आसपास यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं, और हमारा तो हिंदुओं का पैदा होने से लेकर मरने तक सारा कार्य यज्ञ में ही है, तो वो कितना श्रेष्ठ होगा आप विचार कर सकते हैं। किंतु हम कहते रहे कि भाई संसार की सभी समस्याओं का समाधान यज्ञ है, कौन सुनेगा आपकी? कोई सुनेगा? आपके बच्चे भी आपकी नहीं सुनेंगे, सुनते भी नहीं है। और यज्ञ होते होते वो 351 पे आ गया, वो मशीन भी लाइव दिखाती है, तो उनको विश्वास हो गया, क्योंकि आज सारा संसार मशीनरी के ऊपर ही विश्वास करता है। दूसरा, बैक्टीरिया और वायरस की भारी समस्या है। आपको बताएं, जो अभी दिल्ली में यज्ञ किया था, गंदे नाले सीवेज वाटर का पानी जो द्वारका के पास में है, उसको यज्ञ से ट्रीटमेंट किया गया, उसमें जो बैक्टीरिया थे और जो उसमें अन्य विजातीय द्रव्य थे, बैक्टीरिया 0 पे आ गए, 33 और 5, ई कोलीफॉर्म और कोलीफॉर्म, ई कोली जो आप जानते होंगे कोई इस विषय को, तो वो 0 पे आ गए, केवल यज्ञ के पास में जल को रखने से और यज्ञ भस्म से, ट्रीटमेंट से। अब ये किसी के पास है दुनिया में? ये क्योंकि ईश्वर की विद्या, ईश्वर को पता है कि इनमें वातावरण में धीरे धीरे जब परिवर्तन होगा, दूषित होगा, तो उसका समाधान क्या होगा, इसलिए हमारे यज्ञों की परंपरा ऋषियों ने और वेद से प्रारंभ हुई। दूसरा, और आगे चलते हैं, एक हम सब आर्य हैं। आर्य का अर्थ क्या है? आदर्श मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। तो आदर्श मनुष्य आप कैसे बन सकते हैं? आदर्श आर्य का आदर्श क्या है, ध्यान देने की बात है, ये आप लोगों के लिए है। मंत्र श्रुत्यम चरामसी, अगर आप मंत्र में जो विज्ञान है उसके अनुसार चलेंगे तो आप आर्य हैं, अगर आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे, ये मंत्र ही कहता है, तो आप में कुछ ना कुछ कमी है। दूसरा, आर्य व्यवहार, आर्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? यद भद्रम तन्न आसु है, जो कल्याणकारी विचार है, भोजन है, व्यवहार है, संगठन के जो गुण है, यदि हम उसको अपनाएंगे तो हम आर्य व्यवहार हमारा ठीक होगा, अन्यथा मन तो 24 घंटे कार्य करता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आप सोचते रहेंगे, तो आर्यत्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि ये भी वेद का मंत्र है। कभी निराशा आए तो वो निराश होके चली जाए, ये मैं नहीं कहता, मंत्र कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यायत।
आपके दाएं हाथ में कर्म है तो विजय बाएं हाथ में, किंतु उसका तरीका क्या है वो जानना अवश्य चाहिए। आर्यन नारी कैसी होनी चाहिए, बहुत माताएं और नवयुवतियां बैठी, आर्यन नारी के लक्षण क्या है, वो कैसी होनी चाहिए? तो मम मे पुत्रा शत्रुहणा अतो मेह दुहिता विराट। तो उनकी संतान को ऐसे संस्कार होने चाहिए कि उनकी शत्रुओं को नाश करने वाले चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, और उनकी कन्या इतनी तेजस्विनी विदुषी होनी चाहिए कि उनकी तरफ कोई नजर उठाकर भी ना देख सके। संस्कारों से, विद्या से संभव है। आर्य शरीर कैसा होना चाहिए, आप सब आर्य हैं, ये भी वेद ने बताया कि जीवे में श्रद्धा सतम भूयसी श्रद्धा सता। यदि हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करें और हवन में भी उन पदार्थों को डालें जो रोग का ना सके, जिस रोग के अनुसार जो हवन हो सकता है, तो आप जीवे में श्रद्धा सतम कर सकते हैं। ये बताइए, ये वेद का मंत्र आदि सृष्टि में ही घटित होता था या आज भी होता है? तो हमें 100 साल जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए? तभी तो वेद का मंत्र सार्थक होगा, नहीं तो आप संध्या करते रहेंगे जीवे में श्रद्धा सतम और संध्या करते करते उस 100 से पहले ही। तो उसकी विधि क्या है ये भी ऋषियों ने बताया हुआ। अगर दुनिया में हम आर्य आदर्श प्रस्तुत करेंगे तभी समस्याओं का समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले हम खुद घटा करके देखें। आर्यों का आत्मिक आदर्श कैसा होना चाहिए, आपकी आत्मा कैसी होनी चाहिए? तो तन में मन शिव संकल्पमस्तु। अगर आपका मन कल्याणकारी विचार वाला होगा तो आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, आनंदित होगी। अगर आपके मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे तो आप खुद भी आनंदित नहीं होंगे और दूसरों को भी नहीं करेंगे। आर्यों का परम धर्म क्या होना चाहिए? क्यों जी, आर्यों का परम धर्म क्या होना चाहिए? महर्षि दयानंद जी का आज निर्वाण दिवस है, उन्होंने ही बताया है। अगर आर्य समाज केवल हम वैदिक लोग एक नियम पे भी कार्य करें तो संसार को शीघ्र ही आर्य बनाया जा सकता है। वो कौन सा है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का। तो आप यदि वेद नहीं पढ़ेंगे और वेद की सब सत्य विद्याओं को समाज के रक्षा के लिए, विश्व की उन्नति के लिए उसका आविष्कार नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, ये महर्षि दयानंद का ही वचन है। तो आगे जो सभा के कार्य हैं वो मुख्य रूप से अनुसंधान के ही कार्य होंगे। यदि पहले हम एक यज्ञ को भी पकड़कर अनुसंधान करें तो जितने भी आज सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खेती पे प्रयोग करती है, जो और जिसको हम खा करके बीमार होते हैं पेस्टिसाइड यूरिया से, उसका भी करोड़ों अरबों रुपए का बजट सरकार करती है, तो हम उससे बच सकते हैं। हम भूमि को माता कहते हैं और माता को जहर खिलाते हैं, क्यों जी? भूमि माता पुत्र हम पृथ्वी है, ये वेद का मंत्र है कि भूमि हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। कोई अपनी माता को जहर खिलाता है? क्यों जी? किंतु पेस्टिसाइड क्या है, यूरिया क्या है, डाई क्या है? हम माता को जहर खिला रहे हैं, फिर वो भोजन हम करके खुद बीमार हो रहे हैं। केवल यज्ञ के द्वारा ये समाधान हो सकता है। हमने प्रयोग कराए हैं, यज्ञ की राख को यदि पानी में घोल करके स्प्रे किया जाए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और प्रातः और सायकाल सूर्य उदय सूर्यास्त पे यदि हम यज्ञ करें गाय के उपले में घी के साथ में और लाल चावल और खांड आदि के साथ में, तो इन खेती की समस्या का समाधान केवल आर्य समाज दुनिया की कर सकता है, ये उसके पास, क्योंकि सत्य विद्या केवल इस समय हमारे पास ही है। वेद क्या कहता है आगे देखिए। वैसे तो ये भूमि ईश्वर कहता है कि आर्यों को ही दी थी, किंतु आज आपकी कोई दुनिया में ज्यादा महत्ता नहीं बची। धर्म के रूप में, सत्य के रूप में आपकी सत्ता है, किंतु आपका कोई दुनिया में पूरी भूमि क्या कोई देश भी नहीं है। ईश्वर ने आज्ञा दी थी अहम भूमिम अददाम आर्याय, कि यह भूमि मैंने आर्यों के लिए दी थी, किंतु आज अपना कोई देश नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, कभी विचार किया? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने जो वेद का ज्ञान विज्ञान था उसको केवल हमने या तो कर्मकांड तक सीमित कर दिया या पूजा पाठ में सीमित कर दिया। वेद तो क्या, सब सत्य विद्याओं का। यदि हम ये करते रहते तो दुनिया में कभी हम सारी दुनिया में थे, आपको विश्वास है कभी हम सारी दुनिया में थे? स्वर्ण भूमि जो
थाईलैंड का एयरपोर्ट है, उसका नाम आज भी स्वर्ण भूमि है, श्याम देश माना जाता है। इंडोनेशिया में जाइए, मलेशिया नहीं मलय देश है, वर्मा तो अभी सब गए थे, 1937 तक भारत का हिस्सा था। तो किसके कारण भारत इतना बड़ा विश्व गुरु था? तो वो थी वेद की सब सत्य विद्याएं। यदि हम पुनः वेद की सब सत्य विद्याओं पे आविष्कार करें, उनका समाज राष्ट्र विश्व के लिए कल्याण करें, तो सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और जिसकी समस्याओं का समाधान होगा वो हमसे जुड़ता हुआ चला जाएगा। देखिए, आज आतंकवाद की एक समस्या है, पूरा विश्व उससे भयभीत है, किंतु आतंकवाद का एक विचार तो है ना। संसार में लड़ाई हमेशा विचारों की है, हथियारों की बाद में है। युद्ध पहले विचार के कारण होता है, हथियार बाद में चलते। तो मैं आर्यों आपसे पूछना चाहता हूं, अगर विचारधाराओं की लड़ाई हो, और सबसे श्रेष्ठ विचारधारा किसकी होगी? सबसे श्रेष्ठ विचारधारा वो होगी जिसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। तो सभी समस्याओं का समाधान किसके पास है? वेद के पास है। आज वैज्ञानिकों की अपनी समस्याएं, कोई वैज्ञानिक कहता है कि हम बंदर से आए, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है बिग बैंग होता, एक दूसरे का खंडन आपस में ही करने लगे हुए हैं। किंतु क्या ऋषियों का आपस में कोई मतभेद है? वो जो करोड़ों वर्षों से चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। योग हम करते आ रहे थे, आज विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। हमारा जो आयुर्वेद है, अभी उस पर कार्य नहीं हुआ। 1,00,000 साल पहले जो दवाई लिखी हुई थी, आज भी वो वैसे ही कार्य कर रही है। जो ऐसा कहते होंगे उनका बंदरों का हो सकता है, हमें उसमें कोई समस्या नहीं, वो क्या कह रहे हैं। किंतु आपका जो रक्त है और डीएनए है, वो ऋषियों का है, और ऋषियों की संतान के अंदर ऋषियों के जैसे कुछ तो गुण होने चाहिए ना। हम ऋषि दयानंद जी को अपना गुरु और आचार्य मानते हैं, तो उनके कुछ तो लक्षण होने चाहिए ना। तो यदि हम वेदों के अनुसार जीवन जिएंगे, वेदों को मानकर चलेंगे, उनके अनुसार अनुसंधान करेंगे, तो किण्वंतो विश्वमार्यम होगा, अन्यथा धीरे धीरे जो है वो भी ह्रास की ओर हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो व्यक्ति मूल को छोड़ देता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। पेड़ देखा ना, ना पेड़ के डाली काटो, ज्यादा समस्या नहीं है, और आ जाती है, और जड़ उखाड़ी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वेद हमारा मूल है, और वेद संसार की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हमने ये वैज्ञानिकों को लगाकर भी, मशीनों को लगाकर के भी पर्यावरण का हमने कुछ समाधान किया है, और आगे बहुत कुछ करना बाकी है। मैं आप अपने सभा के अधिकारी सारे मुख्य यहाँ बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई जब यज्ञ दिवस जब यूएनओ करेगा तब करेगा, वो भी होगा, ये हमारा सबका लक्ष्य है। जैसे योग दिवस हुआ, ऐसे यज्ञ दिवस भी होगा, आप सब सहमत हैं? क्यों होगा? क्योंकि ये भी यूनिवर्सल है। जैसे कि भी एक दिवस यज्ञ दिवस के रूप में देश विदेश में हमारे जितने भी हैं हिंदू भाई हैं, सबको मिला करके कि भी एक दिवस तो यज्ञ दिवस के हम रूप में रखें, और आप सबका सहयोग रहेगा तो भविष्य में वो ही यूएनओ के द्वारा यज्ञ दिवस हो जाएगा। ये हमारा संकल्प है, सभा का ये संकल्प है, और महामंत्री जी और हमारे प्रधान जी दिन रात इस पे चिंतन कर ही रहे हैं। तो आर्यो किण्वंतो विश्वमार्यम हमारे हाथ में, किंतु पहले आप खुद को थोड़ा आर्य बनाएं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अपने जीवन में करें। वो कैसे हो सकता है, अंत में मंत्र पूरा करके वार्ता पूरी करूंगा। इंद्रम वर्धन्ते अपतुरः, देखिए ईश्वर क्या कहता है कि सारे संसार को आर्य कैसे बनाया जा सकता, मंत्र ने ही बताया है कि इंद्रम वर्धन्ते, बुद्धि का, बल का, विद्या का, धन का, संपत्ति का और संगठन का ऐश्वर्य बढ़ाओ। जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास बल नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, उसको अपनी हजारों समस्याएं, वो दूसरे की कैसे समाधान करेगा? तो इसलिए इन चीजों का ऐश्वर्य बढ़ाओ, और कैसे बढ़ाओ? अपतुरा, शीघ्र कार्य करते हुए, शीघ्र कार्य करने वाले, देर मत करो। सोचेंगे हम अगले साल करेंगे, उससे अगले साल करेंगे, उससे अगले साल, तो कभी नहीं आना। तो शीघ्र ही इन चीजों का ऐश्वर्य बढ़ाओ। और किण्वंत विश्वम आर्यम, विश्व का अर्थ है अपने आप को पूर्ण रूप से आर्य बनाते हुए, इसका अर्थ है बनाते हुए अपने आप को ऐश्वर्य बढ़ाते हुए, उस ऐश्वर्य के द्वारा अपने आप को आर्य बनाते हुए और संसार को आर्य बनाते हुए।
अपघनंत अरावण, किंतु बाधा आएंगी जीवन में, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, इनको हटाते हुए, और देशद्रोही, गद्दार, भ्रष्टाचारी और हमारे बीच में भी जो गलत लोग प्रवेश कर लेते हैं उनको हटाते हुए क्या करें? मंत्र में क्रिया नहीं है, क्या करें? क्योंकि इंद्रम वर्धनते, ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, किण्वन्ते विश्वमार्यम, अपने आप को आर्य बनाते हुए, संसार को आर्य बनाते, अपघनंते अरावण, अरावणों को नष्ट करते हुए क्या करें? तो अगले मंत्र में बताया बभ्रवा अभ्यर्षन्ति, आप अपने जीवन के लक्ष्य को, समाज की उन्नति को, राष्ट्र की उन्नति को, विश्व की उन्नति को, और जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष, उसको प्राप्त करना चाहिए, अभ्यर्षन्ति, तो आप उसको प्राप्त आपको करना चाहिए, आप करते हैं। तो ये मैंने संक्षेप में आप सबके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत की। आर्यो, दुनिया को आप बचा सकते हैं, नहीं तो ये दुनिया बचने वाली नहीं है, और तत्काल में जो हमारे पास है वो है दुनिया को बचाने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, वो है यज्ञ। तो आप उसको ठीक से समझें और उसको ठीक से समझ के करें, और दुनिया की समस्याओं का समाधान अपनी भी करें और करें, हम सब पुनः संसार को आर्य बना पाएं, ईश्वर की जो आज्ञा है उसको पालन कर पाएं। किण्वन्तो विश्वम आर्यम। ओम ओम ओम।